स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास है कस्टम एनिमेशन। अगर हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी कस्टम एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कस्टम एनिमेशन के नाम से। मैं फिलहाल स्लाइड ट्रांजिशन जो है स्कीम जो है वो ख़त्म करना चाहता हूँ, सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। यहाँ आपके पास आ गया नो ट्रांजिशन एंड देन आप अप्लाई टू ऑल स्लाइड कर दें तो आपकी तमाम स्लाइड से ट्रांजिशन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो ट्रांजिशन है वो आपके पास इस तरह से अवेलेबल नज़र आ रही है और आप उसे अपने पास इस तरह से व्यू कर सकते हैं। सो आई जस्ट गो टू द वेरी फर्स्ट स्लाइड और इसके ऊपर से मैं ना इसका डिज़ाइन भी ख़त्म कर देता हूँ। तो डिज़ाइन में आते हैं और यहाँ मेरे पास डिफरेंट डिज़ाइन थे, मैंने वहाँ से नॉर्मल डिज़ाइन जो है वो यहाँ से अप्लाई कर दिया ताकि मेरे पास जो मेरी वर्किंग है मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियरली दिखा सकूँ कि मैंने क्या इफ़ेक्ट लगाए हैं। ले जी, ये है हमारी स्लाइड जिसके ऊपर बेसिकली हमने काम करना है या जिसके हवाले से बेसिकली हम अपनी वर्किंग जो है परफॉर्म करेंगे। मैंने एनिमेशन में गया और कस्टम एनिमेशन की ऑप्शन ऑन की। कस्टम एनिमेशन की ऑप्शन ऑन करने से आपके पास क्या होगा कि एक नया टैब ओपन हो जाएगा जिसका नाम है कस्टम एनिमेशंस। आप कस्टम एनिमेशन के अंदर गए हैं और कस्टम एनिमेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन इस वक्त ये पूरा बॉक्स जो है वो मुझे यहाँ पर खाली नज़र आ रहा है। आप इस पूरे इन्वायरमेंट को वर्किंग को ऑफ देख सकते हैं। मैंने यहाँ गया और किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं कि आपके पास ऐड इफ़ेक्ट की जो ऑप्शन है वो आपके पास ऑन हो जाएगी, आपके पास ओपन हो जाएगी। आप इसे यहाँ पर ओपन होता हुआ देख सकते हैं, आपके पास ऐड इफ़ेक्ट की जो ऑप्शन है वो ऑन हो गई है। अब आपके पास टोटल इफ़ेक्ट्स चार तरह के होते हैं। पहला इफ़ेक्ट एंट्रेंस इफ़ेक्ट है, जब चीज़ें स्क्रीन पर इन होंगी। दूसरा इफ़ेक्ट एम्फेसिस इफ़ेक्ट है, जब हम अपने ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। तीसरा इफ़ेक्ट एग्ज़िट इफ़ेक्ट है, जब हमारा ऑब्जेक्ट स्क्रीन से गायब हो जाएगा। और लास्ट इफ़ेक्ट है जब हम इसे मोशन पाथ किसी ख़ास पाथ के ऊपर अप्लाई करेंगे। सो आई जस्ट गो टू द एंट्रेंस इफ़ेक्ट एंड देन आई सेलेक्ट, कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ से बाउंस की ऑप्शन सेलेक्ट की। आप देख सकते हैं कि आपके पास ये इफ़ेक्ट अप्लाई हुआ। अगर आप इस इफ़ेक्ट को दोबारा देखना चाहते हैं प्ले करें, नीचे टाइमलाइन भी आ जाएगी और आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो जो है वो कितने सेकंड्स के अंदर, तकरीबन 2 सेकंड्स में ये वीडियो यहाँ तक रन होके इम्प्लीमेंट हो गई है। अब आप देखें कि यहाँ 1 आ गया तो यहाँ पर भी 1 आ गया। इसका मतलब है कि ये पहला इफ़ेक्ट है। मैं नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एड इफ़ेक्ट्स में जाकर उस पर भी एंट्रेंस का इफ़ेक्ट देता हूँ और इसे मैं मैग्नीफायर कर देता हूँ। सो हेयर माई नेम इज़ गोइंग टू बी मैग्नीफाई फर्स्ट एंड देन यू विल सी कि आपको ये यहाँ पे नज़र आ जाता है। ये आपका पहला इफ़ेक्ट, ये आपका दूसरा इफ़ेक्ट। याद रखिए, पहले दूसरे का मतलब ये नहीं है कि ये पहले नंबर पे है ये दूसरे नंबर पे है। पहले दूसरे का मतलब ये है कि जैसे मेरी वीडियो चलेगी, पहली दफ़ा क्लिक करने पर मेरे पास पहला इफ़ेक्ट आएगा, दूसरी दफ़ा क्लिक करने पर मेरे पास दूसरे इफ़ेक्ट्स आएंगे। मैं चाहता हूँ कि ये पहला इफ़ेक्ट है ये बगैर क्लिक के आए। अगर आप इस इफ़ेक्ट को बगैर क्लिक के देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें, ट्रांजिशन में हमारे पास नंबर 1 आ गया, नंबर 2 आ गया। 2 का मतलब है कि अब जब मैं क्लिक करूंगा तो ये दूसरा वाला इफ़ेक्ट आएगा। मैं यहाँ से पहले वाले इफ़ेक्ट को 1 पे जाता हूँ और इसको मैं पहले आपको रन करके एक दफ़ा दिखाता हूँ। मैंने F5 किया, मेरी मूवी रन हुई, कुछ भी नहीं आएगा जब तक कि मैं की प्रेस नहीं करता। मैंने यहाँ से की प्रेस की, ये पहला इफ़ेक्ट अपीयर हुआ। मैं दोबारा की प्रेस करता हूँ, ये मेरे पास दूसरा इफ़ेक्ट अपीयर हुआ। सो यहाँ पर आपके सामने दोनों इफ़ेक्ट्स हमने देख लिए। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास ये इफ़ेक्ट कब चले। मैंने कहा जैसे ही मैं क्लिक करूँ मेरे पास मेरा ये वाला इफ़ेक्ट जो है रन हो जाए। कैसे? मैंने कहा यहाँ से जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरा इफ़ेक्ट रन होता है। मैं कहता हूँ विद प्रीवियस। जब विद प्रीवियस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये इफ़ेक्ट ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे ही मेरी वीडियो रन होगी जो ज़ीरो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली रन हो जाते हैं। अब दूसरा इफ़ेक्ट जो है वो 1 है, वो अभी भी माउस के साथ क्लिक आ रहा है। मैं इसको क्लिक नहीं करता, मैं इसे कहता हूँ आफ्टर प्रीवियस। आफ्टर प्रीवियस का मतलब ये होता है कि जैसे ये ज़ीरो वाला इफ़ेक्ट चलेगा उसके बाद ये वाला इफ़ेक्ट जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा। आप F5 करके देख सकते हैं कि ये आया, जैसे वो इफ़ेक्ट ख़त्म हुआ उसके बाद आपका दूसरा इफ़ेक्ट आया। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे इस इफ़ेक्ट को पहले इफ़ेक्ट के साथ चलाना है तो आप यहाँ से विद प्रीवियस कर दें। अब जब आप रन करेंगे तो दोनों इफ़ेक्ट इकट्ठे रन हो रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने जेहन में रखनी है, ठीक है, कि स्टार्ट कैसे करना है आपने अपने इफ़ेक्ट का।
अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नाम है ये पहले आए, तो आप इनको रीऑर्डर भी कर सकते हैं, यानी आप किसी भी इफेक्ट को बाद में और किसी भी इफेक्ट को पहले कर सकते हैं। अब आप देखें कि आपके पास दूसरा इफेक्ट जो पहले था वो पहले आया है, जबकि पहला इफेक्ट जो है वो बाद में आया है। तो इस तरह से आप कोई भी वर्किंग जो है वो अपने डॉक्यूमेंट पर परफॉर्म कर सकते हैं। आप दोबारा से रीऑर्डर करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, अगर आप इनकी वर्किंग चेंज करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप स्लाइड शो भी रन करके देखना चाहते हैं, तो स्लाइड शो पर क्लिक करके आप स्लाइड शो जो है वो व्यू कर सकते हैं, आप उसकी फंक्शनलिटी देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन के कौन सा इफेक्ट कब आए। लेकिन अब मैं फिलहाल आता हूँ यहाँ पर और ये वाली स्लाइड पे देखते हैं। इस पे भी एक इफेक्ट लगाता हूँ, मैंने इस पे एंट्रेंस का इफेक्ट लगाया, या चलें हमने इस पे बाउंस का इफेक्ट लगाया, ये दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, इस पे मैंने फेड का इफेक्ट लगाया, इसी तरह इस तीसरे वाले स्टार को सिलेक्ट करते हैं। आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप उन पर इफेक्ट लगा सकते हैं। इस पर मैग्नीफायर का इफेक्ट लगा देते हैं, और ये स्लिम वाले स्टार के ऊपर हम एक इफेक्ट लगा देते हैं जनाब, कौन से वाला। मैं यहाँ मेरे पास ना मोर इफेक्ट्स हैं, आपके पास यहाँ बहुत से इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो जो भी आपने यहाँ से आपको चाहिए वो यहाँ जाकर आप सेलेक्ट कर दें, तो जो भी इफेक्ट आपको चाहिए होगा वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आई जस्ट सेलेक्ट स्पिरल इन या पिन व्हील कर लेते हैं, ओके किया तो मेरे पास ये आ गया। नाउ आई जस्ट प्रेस शिफ्ट F5 क्योंकि मुझे इसी स्लाइड से रन करना है, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरा पहला इफेक्ट आया मोटा वाला स्टार, दूसरा इफेक्ट, तीसरा इफेक्ट एंड द फोर्थ वन विच आई सेड अ पिन वॉल फील इफेक्ट, वो भी मेरे पास यहाँ पर मुझे अवेलेबल नज़र आया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो चारों इफेक्ट हैं बारी बारी सबको सेलेक्ट करने, कंट्रोल प्लस क्लिक और इन सब इफेक्ट को अगर इकट्ठा चेंज करना है, आप सबको कह दें विद प्रीवियस, सारे इफेक्ट जीरो के साथ हो गए। अब आप अपनी स्लाइड रन करें, देखें चारों इफेक्ट आपके इकट्ठे चलते हुए आपको नजर आए। मैं चाहता हूं कि ये जो चारों इफेक्ट हैं ये इकट्ठे चलें लेकिन चलते रहें, तो मुझे इनकी ऑप्शंस लेनी है। मैंने राइट क्लिक किया, मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गई, उसमें है इफेक्ट ऑप्शन, आप किसी भी इफेक्ट पर डबल क्लिक करके उसकी ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। मैंने कहा टाइमिंग्स आई वॉन्ट देम टू बिट फास्टर, मैं थोड़ा तेज कर लेता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ रिपीट होते रहें जब तक कि अगली स्लाइड नहीं आती, अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, ओके। अब आप देखिए शिफ्ट F5 और वही इफेक्ट अब आपको और लुक में नजर आ रहे हैं, पागल हो गए सारे सर्कल। ओके जी, सो आई जस्ट गो बैक, वापस जाते हैं पहले वाले इफेक्ट पे आते हैं। वेलकम किया था मैंने आप सबको, नीचे वाला इफेक्ट खत्म करना है, उस इफेक्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ जाकर आपके पास ऑप्शन है रिमूव की, आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आप किसी भी इफेक्ट को चेंज करना चाहते हैं तो इफेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप उसके अंदर कोई भी चेंज जो करना चाहें वो आप चेंज कर सकते हैं, बाद में भी आप उसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं ज़रा ये इफेक्ट आपको दिखाता हूँ। इसमें हो क्या रहा है कि वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इकट्ठा आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि ये स्टेप बाय स्टेप आए, अगर मैं चाहता हूँ कि ये स्टेप बाय स्टेप आए तो आप अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से जाकर इस इफेक्ट की ऑप्शन ओपन कर लें, डबल क्लिक किया। ऑल एट वंस अगर आप इसे एकदम से देखना चाहते हैं, आफ्टर एनिमेशन ये डिम हो जाए, मैंने कहा इसकी टाइमिंग्स, और मैं कहता हूँ पहले तो ये इफेक्ट जो है ये रिपीट होता रहे अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, यानी ये इफेक्ट बार बार चलता रहे। अब ये एक दफ़ा आएगा, फिर दूसरी दफ़ा आएगा, फिर तीसरी दफ़ा आएगा, आता रहेगा जब तक मेरी स्लाइड ख़त्म नहीं होती। मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो चाहता था कि ये सारा ऑल एट वंस ना आए बल्कि वर्ड बाय वर्ड आए। अब ओके करें, देखें आपके पास पहले वेलकम आया, फिर टू पे, अब यानी एक ही इफेक्ट से आप डिफरेंट इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं। मैं थोड़ा डिले चाहता था, सो आई जस्ट इंक्रीज दिस डिले टू 50%, सो मैंने यहाँ पे इसको तकरीबन 50% कर दिया। ओके करें, पहला इफेक्ट, दूसरा, तीसरा, और अगर आप यही थोड़ा तेज चाहते हैं लेकिन आप वर्ड बाय वर्ड नहीं चाहते, बाय लेटर चाहते हैं, तो लेटर करके आप इसको देख सकते हैं। अब आपके पास ये इफेक्ट एक अलग शेप आपको दे रहा है और आपको लेटर बाय लेटर जो है वो सारे इफेक्ट्स जो है वो दिखा रहा है। आप इसकी मजीद ऑप्शंस में जाएं, आपके पास ऑप्शन है, आप एज आ ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। टाइमिंग्स में अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी स्विच ऑफ कर सकते हैं, ऊपर नीचे इफेक्ट्स बदल सकते हैं, डिले बदल सकते हैं, ये सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप यहाँ से जो भी सेटिंग करना चाहें वो आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं, आप उन्हें यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये मेरे पास मेरे इफेक्ट से रिलेटेड ऑप्शंस थी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली स्क्रीन से बाहर चला जाए, ये ऑब्जेक्ट आपका स्क्रीन से बाहर मैंने उठा के कर दिया, बट इट्स नॉट अ गुड वे। मैं चाहता हूँ कि पहले ये स्क्रीन के अंदर हो, जब इस पर कोई इफेक्ट लगे तो ये आउट हो जाए। दिस टाइम आई एम यूजिंग इफेक्ट एग्जिट इफेक्ट,
मैं यहाँ से इसके ऊपर डायमंड का इफेक्ट देता हूँ, अब ये ऑब्जेक्ट डायमंड की शक्ल में जो है वो गायब हो जाएगा। सो एक और ऑब्जेक्ट पे ले लेते हैं, चले इसी पे करते हैं, इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेते हैं, इसको होम से जाके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सो मेक इट 54। सो अब मैं इसको, इसके ऊपर वन लगा हुआ है, मैं इसको शिफ्ट F5 करता हूँ, मेरा पहले इफेक्ट ये चला, मैंने एंटर किया, तो आपका दूसरा इफेक्ट आपके पास सैयद अत्हर अली बुखारी जो है वो स्क्रीन से एग्जिट हो गया है, यानी एग्जिट इफेक्ट रन हो गया। मैं ऊपर वाले पे आता हूँ और ये वाला इफेक्ट मैं जो एंट्रेंस इफेक्ट था इसको ख़त्म कर देता हूँ, तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसके ऊपर मैंने इफेक्ट लगाया, कौन से वाला, मैंने एम्फेसिस इफेक्ट लगाया, मैं इसको ग्रो श्रिंक करना चाहता हूँ, ओके कर दें, एक इफेक्ट ये लग गया। एड इफेक्ट्स में गया, मैंने एम्फेसिस रखा और यहाँ से मैंने कर दिया इसके ऊपर कलर फॉन्ट, कलर वेवर चला दें, जो भी आप कलर वेवर चलाना चाहते हैं तो आप इस तरह से कलर वेवर चला दें, उसके बाद आपका कलर आप चाहते हैं कि ये ग्रीन में आपको नज़र आए। सो 1, 2, 3 के साथ आपके पास ये प्ले हो रहे हैं। मुझे पहले दोनों इफेक्ट पहले चलाने हैं, मैंने इन्हें री ऑर्डर में अप कर दिया और यहाँ से प्ले करके देखा, ये पहला इफेक्ट होगा जो डार्क करेगा, दूसरा इफेक्ट उसके अंदर कलर चेंज हुआ और तीसरे इफेक्ट के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट जो है एग्जिट हो गया। शिफ्ट F5 करके देखें, आपका पहला इफेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट बड़ा हुआ, आपका दूसरा इफेक्ट उसके अंदर कलर चेंज हो रहे हैं, ठीक है, आप कलर चेंजिंग देख सकते हैं, और तीसरा इफेक्ट आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्रीन से गायब हो गया। यानी जो भी आपने अपने इफेक्ट की स्टोरी जनरेट करनी है वो आप यहाँ से एडजस्ट करें, आपकी वर्किंग जो है वो आपके पास आ जाएगी। आई लव टू यूज़ अ वर्ड आर्ट शेप, मैं यहाँ से एक शेप लेता हूँ, चले हर्ट ले लेते हैं। हर्ट किधर गया जी, आपका ये हर्ट है, इसको यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ ये हर्ट मुझे क्या करे, ब्लिंक करता हुआ नज़र आए। सो आई जस्ट गो टू मोर इफेक्ट्स, आप इसके इफेक्ट साथ साथ चेंज होते हुए भी देख सकते हैं। क्रेडल है, क्रेडल कव अप, फ्लोट, ग्लिड, मैग्नीफाई, स्लिंग, थ्रेट, स्विरल, स्प्रिलिन, जो भी आप यहाँ से लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ से कह दिया व्हील, आई जस्ट लव टू यूज़ दिस वन, देन आई सेट ओके। अब ये इफेक्ट मैं चाहता हूँ बार बार चलता रहे, तो इसको ऊपर ले जाएं, विद प्रीवियस कर दें, डबल क्लिक करें, टाइमिंग स्लो करनी है ज़्यादा करनी है आपकी मर्जी है, मैंने अनटिल एंड ऑफ स्लाइड ओके। नाउ अब जब तक आपकी ये स्लाइड चलती रहेगी आपका ये हर्ट इफेक्ट जो है ये ऊपर चलता रहेगा, बाकी इफेक्ट अपनी जगह है, वो इफेक्ट अपनी जगह है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इफेक्ट अभी ना सिर्फ आपके पास वर्कआउट में आ रहा है, तो आप इसको 4 नहीं, आप इसे 8 पोक्स पे देखना चाहते हैं, तो देखें अब आपके पास 8 पोक्स पे, ठीक है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, जस्ट लाइक द ओल्ड वे है ये, मेरा ख्याल है मुझे बताना नहीं चाहिए कि आप यहाँ सॉलिड कलर में जाके रेड कलर ले लेंगे तो आपके पास ये रेडिश में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट व्हाट आई वांट टू से, अब मैं अब चाहता हूँ कि मेरे पास ये वाली स्लाइड है, चले इसी पे काम करते हैं। यहाँ एक छोटा सा स्टार ले लेते हैं, मैंने यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने, चले एक नई स्लाइड लेते हैं, सेव कर देते हैं फाइल को, एक नई स्लाइड लेते हैं, कंट्रोल एन किया और मैंने इसको ब्लैंक लेना है, तो मैंने होम में जाकर इसको कह दिया आई लव टू यूज़ ब्लैंक स्लैश, तो मैंने ये ले ली। इसके बाद मैं यहाँ पर कोई तस्वीर लगाता हूँ, मैंने कहा इंसर्ट और पिक्चर्स में जाता हूँ, वॉलपेपर्स में आ जाते हैं, स्लैश स्लैश मॉल सर्वर पर हमने काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं, अत्थर के फोल्डर के अंदर, पिक्चर फाइल्स के अंदर आपके पास वॉलपेपर्स हैं और यहाँ पर चलें कोई और देख लेते हैं, नेक्स्ट है, आई जस्ट गो टू यूज दीज वॉल पेपर, सो यहाँ से हम कर लेते हैं कोई एक वॉल पेपर सेलेक्ट, ये मैंने एक वॉलपेपर ले लिया, ठीक। शिफ्ट F5 ये आपको इस तरह का नज़र आता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना मुझे पीछे मून नज़र आए,
मून यहाँ पे कैसे आएगा, मून का मसला कोई नहीं है, ठीक है, आप मून को यहाँ पे कभी भी अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ गया इंसर्ट शेप्स, मेरे पास यहाँ पर कहीं मून नज़र आता है आपको, ये आपका मामू आपके ये पीछे आ गया, थोड़ा सा इसको टिल्ड कर देते हैं, शेप थोड़ी जो है ना रोटेट करने वाली है, रोटेट कर, वाइट कलर फिल करना है, सॉलिड कलर वाइट, आउटलाइन बेशक ऑफ कर लें वो आपकी मर्जी है, ये फॉर्मेटिंग शॉर्मेटिंग सारी आप कर लें। दरख्तों से बाहर आ गए, ठीक है मामू, इस वक्त तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ये मेरा एक सीन जो है ये बिल्ट हो गया, हालांकि वो एक अलग ऑब्जेक्ट है। अब हम आते हैं इसकी कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी, आप अपनी स्लाइड का डुप्लीकेट लें। अब एक स्लाइड ये है, एक स्लाइड ये है, मैं नीचे वाली स्लाइड पे जाता हूँ और थोड़ा सा मामू की पोजीशन चेंज कर देता हूँ। इसी तरह से फिर इसकी कॉपी की, कंट्रोल डी, एंड देन अगेन इसके ऊपर जो अपना ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन चेंज कर, देन अगेन कंट्रोल डी, आप इधर से इसकी पोजीशन जो है चेंज कर, गेन कंट्रोल डी, और इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट शेप्स, ट्रांसपेरेंसी लगा देते हैं, कंट्रोल डी सेलेक्ट करके थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके जाते हैं, फिर इस पे जाते हैं ट्रांसपेरेंसी कर देते, कंट्रोल डी, यहाँ गए और यहाँ से इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे नीचे ले जाते हैं थोड़ा सा, और इसको कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल लाइटर, और कंट्रोल डी फिर एक दफ़ा किया, दो दफ़ा कंट्रोल डी अगर मून के ऊपर कर देंगे ना दो मून हो जाएंगे, याद रखिएगा। सेव किया अपनी स्टोरी को, अब मैं इसको कर रहा हूँ पीपीएस के तौर पे सेव। PPS क्या होता है, पावर पॉइंट शो, मैंने इसे यहाँ से पावर पॉइंट शो के तौर पे सेव करना है ताकि ये डायरेक्ट पावर पॉइंट में रन ना हो। मैंने सेव कर दिया इसको, मैंने सेव किया, मिनिमाइज़ किया, और अब आप अपने डेस्कटॉप पर से जस्ट इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे डबल क्लिक करें। अब आपके पास आपका मून है जो आपके डिफरेंट एक्शन जो हैं वो आपको चेंज करता हुआ जो है वो नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पर जो मून था वो आपके पास कैसे आया, वो पोजीशनिंग चेंज कर रहा था, तो एनिमेशन आप स्लाइड ट्रांजिशन कर दें, कोई ट्रांजिशन नहीं आपने अप्लाई करनी, लेकिन ये कि आप यहाँ से टाइमिंग चेंज करें, इसको आप जाकर 1 सेकंड कर दें। अब देखिएगा मैंने इसको थोड़ा सा मीडियम कर दिया, सेव किया और अपनी प्रेजेंटेशन को रन कर दिया। सो नाउ यू सी कि आपका मून जो है वो हर 1 सेकंड के बाद जो है वो अपनी पोजिशन चेंज करेगा। I said yes, it's everything fine, apply to all, F5, now you see कि आपका जो मून है थोड़ा सा दरख्तों के ऊपर आ गया है, लेकिन ये कि आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको इफ़ेक्ट देते तो प्रॉपर वर्किंग करने से जब आप इसको इफ़ेक्ट देंगे तो आपके पास ये मूव करता हुआ नज़र आएगा। बट आई एम नॉट यूजिंग दैट मून एट दैट टाइम, सो मैंने इसको सेव कर दिया और एक नया डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर किया, कंट्रोल एन, और यहाँ जाकर मैं एक और लैंडस्केप ले लेता हूँ, इंसर्ट पिक्चर, और यहाँ पर हम ले लेते हैं जनाब बैक करते हैं सनसेट्स, ये मैंने ले लिया, इसको फिट कर लेते हैं पेज पे, शिफ्ट F5, ये आपको इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ ध्यान से देखना है, तो किया मैंने सेव, डेस्कटॉप पर प्रेजेंटेशन 7, ठीक है सेव। अब लिया इंसर्ट शेप में जाकर एक स्टार,
स्टार्स एंड बैनर्स, आपके पास स्टार आ गया, छोटा सा स्टार यहाँ ले लिया, जहाँ मर्जी ले लें, येलो कलर का होता स्टार, तो फिल कर लेते हैं इसमें येलो कलर, ठीक। अब इस पे लगाते हैं मोशन पाथ, स्क्रैम्बल पाथ, कोई भी पाथ दे दिया। अब इस पाथ के ऊपर ये स्टार जो है ये मूव करेगा, सूरज की तरफ नहीं लाना नहीं तो नज़र नहीं आएगा, और फिर मूव करके ये दोबारा यहीं पे याद होगा, ठीक है। इसकी स्पीड कर दी थोड़ी स्लो, आप अपनी मर्जी से टाइमिंग्स दे सकते हैं, मैंने इसको कर दिया 25 सेकंड। विद प्रीवियस स्क्रीन के साथ ही चलता शुरू कर दे और रिपीट अंटिल एंड ऑफ स्लाइड, ओके। आपका स्टार जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। अब अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एक और इफेक्ट इसके ऊपर ही लगाता हूं, एड इफेक्ट्स, एड इफेक्ट्स। अब मैं इफेक्ट लगाता हूं इसके ऊपर फेड का, ठीक है। फेड इफेक्ट की ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शंस में गया, टाइमिंग इसकी भी मैंने कर दी स्लो, लेकिन ज्यादा स्लो नहीं की, 15-10 सेकंड कर देते, ठीक है। इसको भी मैंने करवाना है अंटिल एंड ऑफ स्लाइड, ओके किया, इसको भी मैंने कर दिया विद प्रीवियस, सेव किया फाइल को, रन कर लिया। अब आप देखें कि आपका जो इफेक्ट है वो आपके पास आपको नज़र आ रहा है, एक साथ दो इफेक्ट जो हैं ये इसके ऊपर चल रहे हैं। आपका जैसे ही सूरज के करीब आता है स्टार फेड हो गया है और दोबारा से फिर आपको नज़र आना शुरू हो गया, ठीक। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर कोई भी वर्किंग जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब मैं, ये तो था एक स्टार, मैंने किया ये सबको सिलेक्ट, यहाँ पे ना ये टेक्स्ट बॉक्स क्यों आ रहा है, एक मिनट है, ये मुझे वो लेनी है ब्लैंक, ठीक है। ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस क्लिक, इसकी कॉपियां कर ली, सेलेक्ट कॉपी एंड पेस्ट, कुछ स्टार्स को पकड़कर हम मूव कर लेते हैं, दूसरी साइड पे ले जाते हैं। आपने बारी बारी एक एक को करना है, ठीक है। अब ये सारे एक जैसे इसलिए लग रहे हैं कि इनके ऊपर एक जैसी सेटिंग हुई हुई है, अगर आप अपने स्टार्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट सेटिंग करेंगे तो आपके पास आपके स्टार आपको डिफरेंट लेआउट के साथ जो है वो नज़र आएंगे। कोई कहीं ब्लिंक कर रहा होगा, कोई कहीं ब्लिंक कर रहा होगा, एनिमेटेड बैकग्राउंड बनाने के लिए हम अपने पास इस सेटिंग को इस्तेमाल करते हैं। सेव कर दिया जी हमने अपने वर्कआउट को, और ये आपके पास थी एनिमेशन। आप किसी भी जगह पर आ सकते हैं, बट मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, कि इसके नीचे पट्टी भी चले। मैंने क्या किया, इंसर्ट शेप्स में गया और यहाँ से एक रेक्टेंगल ली, उसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ की रेक्टेंगल लें ताकि आपके बिल्कुल पूरी पूरी आए। अब आपके पास ये रेक्टेंगल आ गई, इसके ऊपर हम कलर दे देते हैं। मैंने इसका जो कलर है वो कर दिया जनाब, कौन सा, येलो या रेड, जो भी आपने करना है, ग्रीन, वट एवर, जो भी आप चाहते हैं। इसी की ये कॉपी, और इसमें जो टेक्स्ट आप चलाना चाहते हैं वो टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख दें, डमी सा टेक्स्ट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद जो ऊपर आपने कॉपी किया है उसको आप नो फिल कर दें, और इसकी बाहर की आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर दें,
अब आप अपने ऑब्जेक्ट को पकड़कर, यानी जो आपने बाहर ये रखा है ऑब्जेक्ट, इसको पकड़ें और इसको उठाकर बाहर ले जाएं। ऐड इफेक्ट करें, इस पर मोशन पाते हैं, आप इस पर लेफ्ट का इफेक्ट दे दें ताकि आपका टेक्स्ट आपको लेफ्ट साइड पे आता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद आपने इस एरिया को सिलेक्ट करें और इसको पकड़कर आप शिफ्ट पे होल्ड रखें और इसको बड़ा करते जाएं। जैसे जैसे आप इसको बड़ा करते जाएंगे, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपको ज़्यादा एरिया जो है वो प्रोवाइड करेगा व्यू करने के लिए। जब काफ़ी बड़ा हो जाए तो इस इफेक्ट के ऊपर जाएं और इसे कर दें विद प्रीवियस, डबल क्लिक करें इस इफेक्ट की। अगर आप ऑटो रिवर्स चाहते हैं यानी आगे जाके वापस आए तो वो भी आप कर सकते हैं। स्मूथ स्टार्ट, स्मूथ एंड, नो साउंड, नो एनिमेशन ऑल एट वंस। टाइमिंग में जाके इसको थोड़ा स्लो कर देते हैं, सो आई जस्ट सेड 20 सेकेंड्स। और ये भी न्यूज़ जो है ये चलती रहे जब तक कि हमारी वर्किंग नहीं होती है। विद प्रीवियस ओके कर दिया, शिफ्ट F5। अब आप देखें कि आपके पास आपकी नीचे न्यूज़ चलती जा रही हैं जबकि ऊपर आपका जो ऑब्जेक्ट्स है, ये जो आपकी वीडियो है, वो आपके पास चलती आ रही है। और जैसे जैसे आपकी ये फंक्शनलिटी जो है परफॉर्म होती जाएगी, आप इस तरह से अपनी हेडलाइन न्यूज़ जो है वो किसी भी जगह पर रन करवा सकते हैं या किसी भी जगह पर व्यू करवा सकते हैं। जो जो सेटिंग्स आपने परफॉर्म करनी है वो सारी की सारी सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी और आप इस तरह से कोई भी वर्कआउट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो मल्टीपल इफ़ेक्ट्स मैंने आपको इस ट्रांजेक्शन के अंदर बता दिए हैं। ये सब स्लाइड ट्रांजेक्शन्स की ऑप्शन है जो कि आपको बेसिकली यहाँ पर मोशन पाथ के अंदर मिली हैं। सेव कर देंगे फाइल को तो ये आपकी फ़ाइल इसी तरह से आपको वन बाय वन सारे इफ़ेक्ट जो है वो शो करवाएगी। ये तो थी जी आपकी लास्ट कौन सी ऑप्शन, आपने एनिमेशन देखी कस्टम एनिमेशन। इसी तरह आपके पास स्लाइड शो है, अगर आप बिगनिंग से रन करना चाह रहे हैं, कुछ को कुछ स्लाइड शो करवाना चाह रहे हैं, कुछ नहीं शो करवाना चाह रहे हैं, साथ साथ अपनी रिलेशन जो है वो भी रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च है, थिसोरस, ट्रांसलेट लैंग्वेज, सब ऑप्शन आप वर्ड में देख चुके हैं। मार्क करना, कमेंट्स वगैरह लगाना और रिमूव करना। तो ये था जी आपका पावर पॉइंट का पूरा वर्कआउट जो कि आपका यहाँ ख़त्म होता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब आपने से हर एक पावर पॉइंट में काम करने के काबिल हो जाएगा।